हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की चैप्टर फर्स्ट के बारे में पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक चींटी, द आंट, चींटी और एक चिंगूर। तो ये एक चींटी और चिंगूर की कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले यहाँ पोएम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वर्णन दे रखा है, वो हम पढ़ेंगे। अ फेबल इज़ अ स्टोरी, फेबल होता है नीति कथा। तो अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वेज अ मॉरल। एक फेबल क्या होती है? नीति कथा होती है जो लोगों द्वारा बोली गई होती है, जिसके कैरेक्टर जो होते हैं, पात्र कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं। दैट कन्वे इज़ अ मॉरल, जो अंत में क्या देती है, एक शिक्षा देती है, यानी शिक्षाप्रद स्टोरीज होती है, कहानियाँ होती हैं जो कि नीति कथाएँ हैं, यानी लोगों द्वारा बोली गई है, बताई गई है। दिस पोएम अबाउट एन एंड एंड अ क्रिकेट कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, यानी ये जो कहानी है जो एक चींटी और एक झिंगूर की है, वो भी एक इसी तरीके से सच्ची कहानी है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड क्रिकेट। चार पैरों वाले झिंगूर की जैसी कहानी होती है, वैसे ही ये दो पैरों वाले झिंगूर की एक कहानी है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स, और आपने देखा ही होगा कैसा टू लेग्स क्रिकेट, यानी दो पैरों वाले झिंगूर को आपने देखा ही होगा। तो ये जो कहानी है, ये झिंगूर और चींटी के बारे में है, तो ये हम पढ़ेंगे। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट द होम हिज कपर्ड was empty, the winter was come। तो फर्स्ट लाइन है अ सिली यंग क्रिकेट। सिली यानी होता है मूर्ख, मूर्ख युवा क्रिकेट यानी झिंगूर, जो मूर्ख युवा झिंगूर जो है, अकस्टम्ड टू सिंग, अकस्टम्ड होता है आदि, यानी गाने की आदि है वो, सिंग यानी गाना होता है, तो जो मूर्ख झिंगूर है वो गाना गाने का आदि है। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे, गे यानी होता है हैप्पी, खुशी, समर एंड स्प्रिंग, तो ये वो पूरे ही साल वार्म गर्म, सनी सनी मंथ यानी गर्मी के दिन, समर एंड स्प्रिंग बसंत की, तो सारी ही ऋतु में वो क्या करती है, गाने की आदी है, यानी उसे गाना गाना बहुत पसंद है। बिगेन टू कंप्लेन, बिगेन यानी उसने शुरू किया कंप्लेन, कंप्लेन करना शुरू किया। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, जब उसे पता चला कि उसके घर पे जो कबर्ड है, उस कबर्ड यहाँ पर क्या है, अन्नभंडार, जो उसका अनाज भरने का जो घर है वो क्या हो गया है, वॉज एम्प्टी, वो खाली हो गया, एम्प्टी यानी खाली। द विंटर वॉज कम, और विंटर ठंड का मौसम आने ही वाला है, तो यहाँ पे जो क्रिकेट है, झिंगूर है, उसे क्या करना, गाना गाना पसंद है, वो सब महीनों में, वार्म डेज हो या सनी मंथ समर का हो या स्प्रिंग हो, वो पूरे ही तीनों महीनों में गाती रहती है। बिगेन टू कंप्लेन, यानी वो क्या करने लगी, शिकायत करने लगी, जब उसे पता चला कि उसके जो कबर्ड है, भंडार गृह है, वहाँ पर क्या है, सब चीज़ें खाली हो गई, यानी खाने का एक दाना भी नहीं है। एंड विंटर वॉज कम, और क्या है, सर्दियों का मौसम आ गया है। नोट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नोट ए फ्लावर कुड ही सी, नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, यानी नोट ए क्रम टू बी फाउंड, क्रम यानी होता है अनाज के दाने। तो उसने कहा है कि मेरी कबर्ड क्या हो गई है, एम्प्टी हो गई है, तो उसका जो भंडार गृह है वो पूरा की पूरा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया है, यानी उसमें एक भी अनाज का दाना नहीं बचा है। नोट ए क्रम टू बी फाउंड, यानी अब उसे कहीं से भी क्या है, भोजन नहीं मिलेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑन द ग्राउंड स्नो कवर्ड, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड है वो पूरा क्या हो गया है, स्नो कवर्ड हो गया है, क्योंकि विंटर का सीज़न आ गया है, तो अब स्नोफॉल होने लग गई है, ओले गिरने लग गए हैं, तो पूरा जो ग्राउंड है, जो सतह है, पृथ्वी है, वो किससे कवर हो गई है, स्नो से कवर हो गई है। नोट ए फ्लावर कुड बी कुड ही सी, यानी अब वो एक भी फूल नहीं दिख रहा है, नोट अ लीफ ऑन द ट्री, और एक भी पेड़ पर पत्ती नहीं दिख रही है, किससे कवर हो गई, वो स्नो से कवर हो गई है। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी,
फिर वो कहता है कि अब मेरा क्या होगा, वॉट विल बिकम ऑफ मी, यानी कि मेरा क्या होगा, अब तो मेरे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है और सारी की सारी स्नो कवर हो गया है, चारों तरफ पूरा स्नो यानी ओले गिर गए हैं और हर जगह बर्फ़ हो गई है, तो अब मेरे लिए तो खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set to the miserly ant to see if to keep him alive he would grant. यानी कि at last by starvation and famine made bold, यानी अब उसकी जो भूख थी वो बहुत ज़्यादा लगने लगी, उसको भूखमरी ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसके पास क्या था, अकाल पड़ गया था, अनाज ही नहीं था खाने के लिए और सारे पेड़ पौधे भी बर्फ़ से ढक गए थे, तो अब वो बहुत ही तीव्र अवस्था में उसको भूख लगने लग गई थी, अब अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो मर सकता था। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, और चारों तरफ क्या हो रही थी, ड्रिपिंग भीगा हुआ मौसम था क्योंकि बर्फबारी हो रही थी तो वेट था पूरा। एंड ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड, और क्या ट्रम्बलिंग यानी काँप रहा था वो कोल्ड से, ये देखो पिक्चर में पूरा के पूरा काँप रहा था और बर्फबारी हो रही है। अवे ही सेट अप टू अ माइजरली एंट, फिर सेटअप यानी वो निकला किसकी तलाश में, किसके पास निकला, माइजरली एंट यानी एक कंजूस चींटी के पास वो उसकी खोज में निकला। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, क्या देखने के लिए कि उसे जीवित रखने के लिए शायद वो उसे ग्रांट दे दे, कुछ दे दे। हिम सेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रीपे इट टुमारो इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सैरो। वो चीटी को ढूंढने के लिए निकला, उसे क्या आशा कर रहा था कि ही वुड ग्रांट, उसे क्या देगी, उसे क्या प्राप्त होगा वहाँ से। हिम सेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से उसे वहाँ पर क्या मिल जाएगी, सेल्टर मिल जाएगी, शायद वो उसे आसरा दे दे, सहारा दे दे। एंड अ माउथफुल ग्रेन, और खाने जितने ग्रेन यानी अनाज, माउथफुल यानी निवाला मिल जाए उसको, अनाज का निवाला मिल जाए ताकि उसकी भूख मिट जाए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने क्या इच्छा की, सिर्फ मैं उससे उधार लूँगा, बोरो यानी मैं उससे उधार ले लूँगा। ही वुड रीपे इट टुमारो, और मैं उसे क्या करूँगा, वापस रीपे यानी वापस उधार कब दे दूँगा, कल वापस उसको उधार, वापस जितना भी अनाज उससे खाने के लिए लूँगा मैं उसे वापस रिटर्न कर दूँगा। इफ नॉट, अगर उसने मुझे ये नहीं दिया, ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सेरो, अगर उसे चीटी ने रहने के लिए सहारा नहीं दिया, अनाज नहीं दिया खाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, भूखमरी के और दुख के मारे मर जाएगा। तो ये क्रिकेट की दुख गाता है कि वो किस तरीके से विंटर का मौसम आ गया है, उसके पास खाने के लिए कोई दाना नहीं बचा है, और वो किसके पास गया है, माइजरली एंट के पास गया है, जो कि बहुत कंजूस एक चींटी के पास गया है ताकि वो उसकी हेल्प करे, उसे क्या दे, खाने के लिए दाना दे और रहने के लिए जगह दे। तो वो बोल रहा है उससे कि मैं उससे क्या करूँगा, बोरो करूँगा, उससे उधार ले लूँगा खाने के लिए और उसे वापस दे दूँगा, कल वापस, टुमारो यानी कल वापस दे दूँगा, और अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो क्या हो जाएगा, मैं दुख और भूखमरी के मारे मर जाऊँगा। तो ये क्रिकेट की कहानी है, और आगे की कहानी हम क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।